हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बड़े होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और आज हमारे साथ हैं मोहित चौहान जी, जिन्होंने बिजनेस लॉस के सब्जेक्ट में 74 मार्क्स स्कोर करे हैं। और इनका टोटल कितना था एक बार मोहित सभी बच्चों को बता दो। माई टोटल वॉज 257। 257 मार्क्स इनके टोटल आए हैं। एंड मोहित, जहां तक मैं जानता हूं, आप बता रहे हो कि आपने हमारे चाणक्य नीति बैच के वन शॉट्स और यस जो सर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ऑनलाइन लिए थे उससे जी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी, बहुत ज्यादा आपने तैयारी करी थी, और 1 रुपीज का शायद एप्लीकेशन पे चाणक्य नीति बैच लिया था। यस सर अच्छा, तो वन शॉट तुम किस तरीके से देखते थे? मैंने तो, क्योंकि जो नॉर्मली मेरे वीडियो होते हैं वो 10-10 घंटे के होते हैं, राइट? जी एक ही वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा चैप्टर ओवर हो जाए। तो तुम उसको जी पार्ट्स में देखते थे, मतलब आज मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आधा पार्ट देखा, फिर कुछ दिन बाद देखा, या एक साथ ही पूरा वन शॉट देख लेते थे? नहीं सर, पार्ट्स में देखा था मैंने, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली इतना ज़्यादा पढ़ना मतलब मेरे लिए तो वो नहीं है, तो ठीक है, इसलिए मैंने ब्रेक ले लेके मैंने पूरा अपना वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। एंड ठीक। जून के जुलाई में रिजल्ट आया तो टाइम भी कम था, इसलिए थोड़ा एक दिन में एक चैप्टर में कोशिश कर रहा था मेरा एक चैप्टर हो जाए। ओके ओके, अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम मतलब पहले पार्ट्स, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कब करते थे? मतलब वन शॉट देखते देखते ही करते थे, या पूरा वन शॉट होने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? सर पूरा वन शॉट होने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। तो ईबुक भी यूज करते थे जो प्रोवाइड करी गई थी बैच में? यस सर, आपने ऐप पे थी ई बुक्स की वीडियो जो आप क्लासेस लेते थे, 6 6 बजे से या 7 बजे से आप क्लासेस लेते थे, वो मैं लेता था। वो आप ले लेते थे, तो उससे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर यस हो गए। सर ओके, तो लॉ सब्जेक्ट में डर लगता था या लग रहा था कि हो जाएगा? क्या था यस सीन? सर, डर तो बहुत था, मुझे ये था कि मैं लो में शायद फेल हो जाऊं, मैं बस यही अच्छा, भगवान से दुआ कर रहा था कि मेरे 40 मार्क्स आ जाए, क्योंकि हाँ, और आ कितने? हाँ, 70, क्योंकि मैं जब एग्जाम सेंटर में पहुंचा था मैं वहां पर अपनी वॉच ले जाना भूल गया, तो जिससे मेरा टाइम ओके, मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो मैंने मैम से भी मांगी, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनसे मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने फिर बिना सोचे समझे लिखता चला गया, लिखता चला गया। और मेरा लास्ट क्वेश्चन जब हुआ, जब मैम मेरे बिल्कुल मुंह पे आके खड़ी हो गई, मैं वहां पर अपनी अच्छा, कॉपी टाई कर रहा था, जब तो कितने मार्क्स का सॉल्व कर पाए थे लॉ का पेपर? 100 मार्क्स का सोल्व किया था सर। 100 मार्क्स का ही किया था? अरे वाह यस यार सर वाह, ये अच्छी बात कही, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा लेंदी भी आया था, तो बच्चे कहते यस सर सर लेंदी है, लेकिन तुमने 100 मार्क्स का सॉल्व करा, ये सुन के यस मुझे सर बहुत ही खुशी हुई मोहित बेटा। तो जी अभी सर आगे की प्लानिंग कैसे है? अभी इंटर के लिए है पूरी जर्नी, अब और मेहनत करोगे अब तो दबा के? यस सर अभी चलो यार, फेस्टिवल्स के बाद इंटर की तैयारी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, फेस्टिवल भी अब तुम्हें एंजॉय करने चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर जर्नी मोहित, है ना? जी एंड सर सभी बच्चों, तुम्हें मोहित से प्रेरणा लेनी है कि जून 24 में भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इस बार सितंबर के एग्जाम्स में कर दिखाया। तो आप भी कर सकते हो, बस मेहनत करो, नेगेटिव थॉट्स को अपने पास मत आने देना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।